क्लास 10 के लिए चैप्टर 2 संवाद के अंतर्गत आज हम लोग इसकी विशेषता को जानेंगे। संघीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है ये जानकारी लेना है आज। तो संघीय शासन व्यवस्था की जो पहली विशेषताएं हैं, विशेषता है उसमें संघीय शासन व्यवस्था में सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है, यानी इस सरकार में दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकारें होती है। भारत में दो नहीं बल्कि दो से अधिक सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब नंबर दो है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने या कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। यानी क्या है कि अलग अलग स्तर की सरकारें होती है, केंद्र, राज्य, स्थानीय, वह एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। नागरिक तो वही होती है, केंद्र सरकार भी उसी नागरिक पर शासन करती है, राज्य सरकार भी और स्थानीय सरकार भी, लेकिन कर वसूलने पर प्रशासन जैसे उसके अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं। अगला है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और अधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसलिए संविधान अलग अलग स्तर की सरकारों की सुरक्षा और उसके अस्तित्व की गारंटी देता है, इसलिए देता है कि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बच्चों आगे है नंबर 4, संविधान के मौलिक प्रावधानों को दोनों स्तर की सरकार ये दोनों स्तर के सरकार की सहमति से ही बदल सकते हैं। लेकिन संविधान में अगर बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो केवल एक स्तर की सरकार संविधान में संशोधन या बदलाव नहीं कर सकती है, इसके लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होनी चाहिए। हमारे जैसे हमारे सरकार में अभी 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में कम से कम 15 राज्य की सरकार यानी आधा से अधिक राज्यों की सरकार अगर सहमति देती है, साथ ही साथ केंद्र सरकार उसमें सहमति देती है, तभी जाकर इसके संविधान में संशोधन या सुधार किया जा सकता है। बच्चों आगे है संघीय सरकार में अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी संघीय सरकार में अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार के व्याख्या करने का अधिकार है। यानी उसके अधिकार क्या है, विभिन्न स्तर की सरकार का अधिकार क्या है, उसके अधिकारों के बारे में बताने का अधिकार, व्याख्या करने का अधिकार अदालत को है, न्यायालय को है। एक से संघीय सरकार में वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त करने के अलग अलग स्रोत हैं। दोनों अलग अलग स्रोत से स्वयं वित्तीय स्वायत्त प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। दोहरे उद्देश्य क्या है, इसमें क्या है, देश की एकता की सुरक्षा, एकता देश की एकता सुरक्षा, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ाना, यानी देश की एकता को सुरक्षा प्रदान करना है और उसे बढ़ाना है। दूसरा है नंबर, क्षेत्र विविधताओं को पूरा सम्मान देना। क्षेत्र विविधता यानी भारत विविधताओं से भरा हुआ है और इस तरह से क्षेत्र विविधताओं को समेटने और संभालने का जिम्मा संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी किया जा सकता है, इसलिए यहाँ जो है संघीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है। अब बच्चों देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने के दो तरीके हैं। एक है कि दो स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ मिला करके, यानी अलग अलग राष्ट्रों को एक साथ मिला करके एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करना, एक बड़ी इकाई बनाना, इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि
आते हैं। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली राज्यों की सरकार को दिया जाता है, यानी वे अपने संप्रभुता को अक्षुण रखते हैं व स्वतंत्र होते हैं। नंबर आगे है दूसरा कि बड़े राष्ट्रीयता को ख्याल रखते हुए आपस में बांट देना, यानी बड़े राष्ट्र को उसकी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए उसे आपस में बांट करके संघ शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है। उदाहरण के रूप में भारत, बेल्जियम, स्पेन, इसमें भारत, बेल्जियम और स्पेन जैसे देश आते हैं। इसमें क्या है कि राज्यों की तुलना में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इस तरह से बच्चों आज हम इसकी विशेषता को जाने, अब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।